दोस्तों नमस्कार, उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूँ। अगर बात करें तो यहाँ से गठबंधन से कन्हैया कुमार मैदान में और भाजपा ने मनोज तिवारी को यहाँ से मैदान में उतारा है। हमारे साथ तमाम ऑटो वाले मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ऑटो वालों का इस बार क्या मूड है, इस बार क्या सोचते हैं, महंगाई बेरोजगारी क्या इन लोगों के मुद्दे हैं। अंकल जी क्या नाम हो गया आपका? दुर्गा दत्त जोशी। अच्छा, कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? 28 साल से। तो मुझे एक बात बताइए, 10 साल हो गए मोदी सरकार को, तो कैसे रहे? बेकार रहे, बढ़िया रहे, मिले जुले रहे? सही रहे, अच्छे। क्या अच्छा रहा मोदी सरकार में? सही है। यहाँ से बात करें कैंडिडेट की, कन्हैया कुमार है, मनोज तिवारी है, तो किसका पलटा भारी लग रहा है? मनोज तिवारी का। कन्हैया कुमार क्यों नहीं? नहीं जाए, उसका पलटा दिख रहा है, उसका कमजोर। क्या वजह है मोदी को वोट देने के? मोदी का सही सरकार चला। लोग कहते हैं, आ जाओ, लोग कहते हैं महंगाई कर दिया। नहीं, महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा आज के रेट में। महंगाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और बढ़ाओ गुजारा हो जाता है, हो जाता है। कितने लोग हैं परिवार में? चार। चार लोग तो कितना कमा लेते हैं? हम कमा लेते हैं 500-600। हो जाता है गुजारा अच्छे से? सिलेंडर महंगा नहीं लगता? गया सिलेंडर महंगा है तो फिर भी ले ही रहे हैं। ले ही रहे हैं। क्या नाम हो गया भैया? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह जी, किसका पलटा भारी है इस बार यहाँ से? मोदी जी का है। मोदी जी का। आप भी मोदी जी वाले? भाई साहब, हमने आम आदमी को भी देख लिया। सब कुछ फ्री कर दिया। अच्छा, तो इसको कौन बैठेगा? इस पे कौन बैठेगा? अरे आप लोगों ने तो सरकार बनवाई थी उनकी, तो बनवाई तो इसलिए थी कि फायदा होगा दुनिया को। अब ये देखो ना, रोड देखो, रोड की कंडीशन देखो पहले आप। अच्छा, कहीं भी देख लो, किसी गली में देखो, किसी मोहल्ले में देखो जाके, कोई का विकास ही नहीं हुआ भाई साहब। दिल्ली का विकास ही नहीं हुआ 10 साल में, 20 साल पीछे कर दी दिल्ली आम आदमी ने। वो कहते हैं मुझे मोदी जी काम नहीं करने देते भाई, वो झूठ बोल रहे हैं, वो बहाना मारते हैं, बहाना मारते हैं। हाँ। कोई नहीं करता। हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, मनोज तिवारी कन्हैया कुमार पलटा किसका भारी लग रहा है? भैया ये सब मेरे को नहीं पता, बाकी इतना पता है मेरा वोट तो मोदी जी के लिए भाई, मोदी जी के लिए। मोदी जी के। क्या वजह है मोदी को वोट देने? क्योंकि हमारे देश में जो चीजें नहीं हुई थी ना, वो भी इस सरकार में हो गई। अच्छा, और जो होने को थी वो तो हो ही नहीं रही आज दिन तक, कभी हो ही नहीं पाएंगी। क्या हो गया ऐसा? अब आप देखो ना, अयोध्या में जो राम मंदिर नहीं, अयोध्या में जो मसला था जिसके ऊपर रोटियां सेकी जाती थी, वो सब खत्म कर दिया ना, खत्म हो गया। आप बताओ खत्म हुआ नहीं हुआ? तो राहुल गांधी कह रहे हैं वो तो कोर्ट ने खत्म किया, मोदी का क्या? तब से कोर्ट कहाँ था? तो क्या लग रहा है, क्या मनोज तिवारी मोदी के नाम से जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे जी, बिल्कुल जीतेंगे। काम वाम किया है क्षेत्र में मनोज तिवारी ने? बाबूजी मनोज तिवारी मैं इतना नहीं कहूंगा, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, मेरा वोट किसी को देख के नहीं जाएगा, मेरे को मोदी को देख के जाएगा। चाहे कोई भी खड़ा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा, है कोई भी मतलब नहीं। राहुल गांधी तो कहते हैं मोदी ने देश गड्ढे में डाल दिया। सर राहुल गांधी जी की बात छोड़ो, वो तो क्या क्या कहते हैं कि एक मशीन में आलू डालो और सोना निकलेगा कहते हैं ना, तो वो निकल रहा है, कैसे निकलेगा? हम तो आज तक हमारे किसी भाई ने भी कहीं सुना हो तो बताओ आप, वो तो कहते हैं। लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि आज के टाइम एक हमारा देश विकास वाकई कर रहा है। महंगाई सहंगाई ये कब रुकी थी? कब रुकी है महंगाई? महंगाई रुकने को रुकी कब थी? कांग्रेस वाले कहते हैं सिलेंडर 500 में देते थे हम तुम्हें। बाबू जी केजरीवाल भी तो कह रहे हैं कि हम सब कुछ फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री उनका। हाँ, तो वो जेल में क्यों गए? जेल में क्यों गए? वो तो मोदी जी कह रहे हैं तानाशाही चल रही है, जिसको चाहते जेल में डाल देते। सर ऐसा नहीं है, देखो पहले क्या था, चोरों को पकड़ा नहीं जाता था, अब पकड़े जा रहे हैं। आज हमारे यूपी में देखो, हम यूपी से हैं, कोई रिश्तेदार आते थे रात में तो बिना लुट के नहीं आते थे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। सरकारें इतनी आई, रात में अगर 10 बजे के बाद कोई रिश्तेदार आता था तो लुटता था वो। देखिए आप भी आम आदमी हैं, ऑटो आप चलाते हैं, राहुल गांधी तो कहते हैं कि आम आदमी सरकार में दुखी है, मोदी सरकार में तो आम आदमी बिल्कुल ही मर गए, कमर तोड़ दी मोदी जी ने तो उसकी। बाबू जी देखो आपको इतना बता दें, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो कोई भी कुछ भी कहे लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो तो सबको पता है। अच्छा, हाँ जी सर। तो आपका वोट किस मुद्दे पे? राम मंदिर पे, विकास पे, शिक्षा पे, धर्म के नाम पे? सर देखो मैं बताता हूँ आपको, मैन करके देखोगे ना, राम मंदिर मैं पहले भी बोला, मंदिर से कोई, मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। मतलब इस चीज से था हमारे देश का कहीं मतलब मैं कैसे बताऊँ, कई 1000 करोड़ रुपए इस चीजों में खत्म हो जाते थे, जो मसला जो चल रहा था, कई लोग मारे भी जा रहे थे इस मसले के चक्कर में। आज कोई नहीं मरेगा, सब कमाओ खाओ मस्त रहो, बस ये चीज खत्म। गांधी में उम्मीद लग रही है कि प्रधानमंत्री बनेंगे?
राहुल गांधी सर ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो, नहीं हो सकता। चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सुनिए, क्या नाम है चाचा? संजय कुमार। संजय कुमार जी, चुनाव आ गया, पलटा किसका वारी है इस बार? हमारे को पता लग रहा है, हमारा पलटा वारी तो मोदी का ही है जी। मोदी का ही है जी। यहाँ से लड़ रहे कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी, तो क्या लग रहा है मनोज तिवारी मोदी के नाम से जीत जाएंगे? जीत भी सकते हैं 100%। तो मोदी को वोट देने के पीछे क्या वजह है? वोट उसने कार्य अच्छे करे हैं, कार्य अच्छे करे। गठबंधन है इस बार, कह रहे कि राहुल गांधी तो कह रहे कि गरीब जनता परेशान है मोदी सरकार में। नहीं, परेशानी सर जिंदगी की यार है? आज की परेशानी। अच्छा, शुरू शुरू होती रहती है। वो कह रहे कि इन लोगों ने महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है, मोदी जी ने महंगाई ज्यादा कर दिया। महंगाई महंगाई कहाँ है, महंगाई तो चलती रहती है यार। अच्छा, महंगाई चलती रहती है, बाकी आपका वोट मोदी जी को? हाँ जी। चलिए कुछ और लोग भी मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो गया भाई साहब? धर्मेंद्र कुमार। चुनाव आ गया तो माहौल क्या देख रहे हैं इस बार? किस मुद्दे पे चुनाव, किस मुद्दे पे आपका वोट? मुद्दा तो अभी कुछ है नहीं खास, और जो मुद्दा चल रहा है सबको पता है, विकास तो सबको मिल रहा है देश में। विकास हुआ 10 साल में? हाँ जी, विकास हुआ, विकास हुआ है। लोग कन्हैया कुमार यहाँ से कांग्रेस से गठबंधन से प्रत्याशी है, और भाजपा ने वही मनोज तिवारी को, तो क्या लग रहा है मोदी के नाम से मनोज तिवारी पार हो जाएंगे, कन्हैया कुमार खेल बिगाड़ देंगे? नहीं, कन्हैया कुमार को मतलब नहीं बनता इतना वोट मिलने का, तो उसको तो लोग जानते ही नहीं अभी कौन क्या है कैसा है। वो तो उससे थोड़े से जेएनयू की वजह से थोड़ा फेमस हुए थे, उसके बाद तो वो बैठ चुका है काम। लोग कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार युवा नेता है, क्या वो युवा वाला जादू यहाँ पे चल पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महंगाई मुद्दा है चुनाव में? सर महंगाई तो हर साल बढ़ती है, घटती है, चलती रहती है। महंगाई को मुद्दा नहीं है, लोग काम धंधा कर रहे हैं अपना। राहुल गांधी कहते हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनाओ, सब कुछ सस्ता मिलेगा, उम्मीद है राहुल गांधी से? इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, कभी सस्ता हुआ था? महंगा तो हुआ था, सिलेंडर 500 में देते थे, सस्ता हुआ था सर? तो उससे बिल्कुल हुआ था सस्ता, हुआ था। 25-50 सालों में पेट्रोल 50 रुपए नहीं बढ़ा, या 4 सालों में 100 रुपए बढ़ गया, बिल्कुल सस्ता हुआ था। कांग्रेस जब थी तब सबके लिए बराबर थी, तो मोदी ने सब कुछ खराब कर दिया, हमारे काम धंधे चौपट कर दिए। काम करते हैं हमारे, देखो काउंटर है ये, ये काउंटर है हमारा। अच्छा, ना बढ़िया काम होता था, आज से 24 साल हो गए मुझे यहाँ पे, बढ़िया इतना काम था, जब से मोदी आया सारा काम खराब हो गया। अच्छा, हमारा तो ग्राहक कहाँ चले गए आपके, मोदी जी ने? कोई महंगाई इतनी हो गई, पहले हम 10 रुपए का रोल बेचते थे, आज 40 रुपए का बेच रहे, बताओ हर चीज महंगी हो गई, तो लोग 40 का खा नहीं रहे, कहाँ खा रहे हैं, ये खाली खड़े हैं। अच्छा, खाली खड़े हैं, और क्या? तो फिर किसको कम नहीं होता, पुलिस वाले लेते ही हैं। किसको मौका देंगे? हम तो केंद्र सरकार में चाहेंगे, कांग्रेस ही आए, कांग्रेस ही आए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री। यस यस। अच्छा, लग रहा है बन पाएंगे आप? लग रहा है बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम तो उसी को चाहेंगे, उसी को चाहेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे किसका पलड़ा भारी लग रहा है, कन्हैया कुमार है, मनोज तिवारी है? यहाँ तो पलड़ा भारी देखो तिवारी जी का ही है, तिवारी जी का ही है, कन्हैया कुमार का अभी तो उनका कुछ है? अभी उनका कुछ छवि नहीं है। और तिवारी जी भी हैं तो दिखते तो है नहीं, एक बार आते हैं उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, वो गाने ही गाते रहते हैं। ठीक है, पलटा भारी बता दिया। अभी पलटा भारी इसलिए है, पलटा भारी इसलिए कि अभी एक वो चल रहा है, इनका वो चल रहा है कि यही जीतेंगे। हाँ, मतलब मोदी जी ने कहा 400 पार तो यही जीतेंगे, एक छवि चलती है, छवि है इनकी अभी। जब आप वोट नहीं देंगे तो कैसे जीतेंगे? हम तो वोट देंगे नहीं, देंगे नहीं उसको, तो फिर कैसे जीतेंगे? हम किस देंगे नहीं उसको, हमारे जैसे अगर और भी होंगे उनको नहीं देंगे। तो आप कन्हैया कुमार को देंगे? हम तो कांग्रेस को देंगे, बिल्कुल। हाँ जी, तो कन्हैया कुमार। हाँ जी, क्या बात, अभी तो आप कह रहे हैं उनकी छवि बढ़िया नहीं है। इनकी कन्हैया कुमार की? मैंने कहा छवि बढ़िया नहीं है, उन्होंने अभी तक छाप नहीं छोड़ा, उनको अभी कोई जानता नहीं है इधर, उन्होंने कुछ इधर किया नहीं है, तो उनकी जेएनयू वाली छाप है। उधर उधर तो देखिए नहीं है, जिस इधर हमारे इलाके में अभी उधर कोई इतना उनका प्रभाव नहीं है। तिवारी जी का इसलिए प्रभाव है क्योंकि वो जीत आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उनका प्रभाव है, बस ये बात है। आप भी बताइए आपके मन में क्या चल रहा है, किसका पलड़ा भारी है इस बार? भैया हम तो यहाँ के है ही नहीं, हम कहाँ के हैं? यूपी के हैं। यूपी के हैं, मथुरा, 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 तो वहाँ तो चुनाव हो चुका है। और कौन लोग हैं यहाँ से? हाँ वो भी खड़े हैं। अरे आइए बाहर आइए, मुखिया जी थोड़ा बाहर आ जाइए। अंकल जी एक मिनट, क्या नाम है अंकल जी? अंकल जी हमारे हरवन मौला। अंकल जी चुनाव आ गया तो क्या माहौल देख रहे हैं इस बार? हमारा प्रधान जी कहाँ भागे? हाँ, किसका पलटा लग रहा है भारी? हमारा भारी है। तुम्हारा भारी है? हाँ? तुम किसकी तरफ जा रहे हो? अपनी तरफ है कन्हैया ना? ना? और मनोज तिवारी? हम सबके भैया, रिंकिया के पापा के साथ, रिंकिया के पापा के साथ।